क्या ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था? क्या सचमुच प्यार की निशानी कहे जाने वाला ताजमहल हिंदू आस्था का केंद्र था? दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल सदियों से अपने साथ एक सवाल लिए चल रहा है, क्या सचमुच राजपूतों को हराकर शिव मंदिर तोड़ने के बाद हुआ था ताजमहल का निर्माण? इस सवाल को लेकर कई लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ताजमहल का अनसुलझा रहस्य। क्या सचमुच ताजमहल एक शिव मंदिर है? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मंदिर दर्शन की घंटी अवश्य बजाएं, यानी कि बेल आइकन जरूर दबाएं। ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यही मुमताज महल का मकबरा भी है। यदि आप ताजमहल को ध्यान से देखें तो देखने में मिलता है कि ताज भारतीय, पर्शियन और इस्लामिक वास्तुशिल्पीय शैली के मिश्रण का एक अनोखा उदाहरण है। गौरतलब है ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था, जो 1653 तक चला। बताया जाता है कि हजारों शिल्पकारों, कारीगरों और संगत राशों ने इस बेमिसाल इमारत को बनाने में अपना बलिदान दे दिया। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा वर्गाकार नींव पर आधारित है, जो मेहरा भरूपी गुम्बद के नीचे है। इस स्थान तक आने के लिए आपको एक वर्गाकार गेट से होकर गुजरना होता है। ताजमहल की एक अन्य खास बात यह है कि इसे 40 मीटर ऊंची सममितीय मीनारों से सजाया गया है, और हर इमारत की तरह ताजमहल के भी कुछ खास रहस्य हैं। तो इसी क्रम में चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं ताजमहल के अनसुलझे रहस्य के बारे में। क्या सचमुच ताजमहल एक पहले शिव मंदिर था? ताजमहल के विषय में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है अगर ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्यार की निशानी नहीं है तो आखिर क्या है? हम यहाँ किसी विशेष जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते। हम उन्हीं आंकड़ों और उन्हीं तथ्यों की बात करेंगे जो अक्सर सुनने और देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारा चैनल मंदिर दर्शन इस बात की पुष्टि नहीं करता और ना ही इसके सहयोग में है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू मंदिर कहा तो कुछ ने इसे शाहजहां द्वारा बनाया गया मुमताज महल की याद में एक मकबरा कहा। तो चलिए जानते हैं क्या है असली सत्य। ताजमहल को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। एक पुस्तक द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल के अनुसार इस स्थान पर एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे आगरा में वास करने वाले राजपूतों द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि युद्ध में राजपूत शाहजहां से हारे और उन्होंने ये मंदिर तुड़वा कर ताजमहल का निर्माण करवाया। गौरतलब है कि इस रहस्य का वर्णन किताब में है और सरकारी फाइलों में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि अन्य पुरानी इमारतों और स्मारकों की तरह ताजमहल में भी रहस्यमय कमरों का निर्माण कराया गया था। आज भी यहाँ कई कमरे हैं जो बंद पड़े हैं। इतिहासकारों की माने तो यदि इन कमरों को खोला जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि कभी यहाँ आलीशान शिव मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा कमरा था जिसमें भगवान शिव की बिना सिर वाली मूर्ति रखी हुई थी। तो क्या सचमुच भारत सरकार को ये सब पता है? कहा जाता है कि भारत सरकार ने ताजमहल पर किसी भी तरह की कोई रिसर्च पर पाबंदी लगा दी थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सरकार ने इस किताब यानी कि द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ के रहस्यमय दरवाजों को ना खोलने पर तर्क देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इससे कौमी एकता पर फर्क पड़ सकता है और दंगे भी भड़क सकते हैं। बताया जाता है कि ताजमहल के अंदर एक पानी का स्रोत भी है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि ये पानी का स्रोत आया कहाँ से। इस मुद्दे पर तर्क देते हुए इतिहासकारों का कहना है कि स्रोत तब का है जब यहाँ ये शिव मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि ये स्रोत वही है जहाँ कभी शिव मंदिर का शिवलिंग हुआ करता था।
तो इन बातों के बाद कहा जा सकता है कि इस बेमिसाल इमारत के निर्माण पर आज भी कई सवालिय निशान लगे हुए हैं, जिनकी परतें शायद ही कभी हट पाएंगी। आपने शायद ही ये सुना होगा, लेकिन अगर आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे रिसर्च के बारे में जानेंगे या इतिहास की पुरानी किताबों को खंगालेंगे, तो आप ये पाएंगे कि खास तौर पर ताजमहल को बनाने के पीछे मकसद था दो ताजमहल बनाना। एक था सफेद संगमरमर पत्थरों से बना ताजमहल, जो कि आप अक्सर देखते हैं, और दूसरा था काले पत्थर से बना ताजमहल, जो कि अपने आप में एक अनोखी चीज थी। लेकिन यह सपना शाहजहां का पूरा नहीं हो पाया। कहा यह भी जाता है कि यह यमुना के तट के किनारे पर बना हुआ है, और ऐसे में यहाँ पर ताजमहल बनाना बेहद ही मुश्किल था। ऐसे में कुशल कारीगरों की मदद से इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन कुछ तथ्य ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और उसके बाद शिव मंदिर को तोड़कर उसी के स्थान पर ताजमहल का निर्माण किया गया। ये भी कहा जाता है कि ताजमहल ही शिव मंदिर है, जिसके ऊपर बस एक गुम्बद लगा दिया गया है और बाहर से इसे पूरी तरह से एक इस्लामिक लुक दे दिया। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। हमारा मकसद किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप सटीक जानकारी पाएं। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, या वह सिर्फ और सिर्फ आज भी प्यार की एक निशानी है जो शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था? तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपका क्या मानना है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि हर भारतीय इस गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सके। धन्यवाद।